नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू जैक्सन गेमिंग यूट्यूब चैनल। हमारे ओटू चैंपियनशिप के मैच नंबर 39 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे भिड़ेंगी हमारी श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें। तो रैंकिंग टेबल सामने है आपके, श्रीलंका नंबर 8 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 4 पे है। तो श्रीलंका तो इस टूर्नामेंट से बाहर ऑलमोस्ट हो गई है और न्यूजीलैंड तो बनी है, अब देखते हैं कितना बन सकता है। तो दोनों टीमों के पास मौका है, न्यूजीलैंड जीतेगी तो वहीं पर रहेगी, श्रीलंका जीतने के बाद नंबर 7 पे आ जाएगी। तो चलिए टॉस की तरफ बढ़ते हैं, देते हैं टेस्ट का कॉल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जैकिसन गेमिंग के नाम से है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और हर बार की तरह आकाश चोपड़ा कमेंट्री के लिए। और हाल फिलहाल हमारा अपोनेंट टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, हमें पहले बैटिंग करना है। और आते हुए अंपायर सुने के पीछे आएंगे न्यूजीलैंड के फील्डर्स रन अप करते हुए, और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज। और 30 के एबव का स्कोर करना होगा, डिफेंड करना होगा, तब जाके आएगा जीत सकते हैं श्रीलंका इस मैच को। तो एम सेटनर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, एम सेटनर न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हैं। तो मैं काका चोपड़ा कमेंट्री दे देता हूँ। बल्लेबाज का फायदा, अंपायर ने सिग्नल की है ये हिट, पूरी तरह से छका दिया है बल्लेबाज को। बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका। साधारण बल्लेबाजी, अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। जबरदस्त स्वीप बैट्समैन के द्वारा, जबरदस्त शॉट के साथ एक करारी शुरुआत, पहली गेंद, पहला चौका। कहने को तो 6 रन है, लेकिन लंबाई देखे शॉट की चाहिए 8 या 10। फील्डर भी सिर्फ पीछे मुड़कर देखेंगे, 6 रन खाते में। एक और नो बॉल, ये एक्स्ट्रा बाद में बहुत महंगे पड़ेंगे इस टीम को। फ्री हिट का समय है, लेकिन क्या समय बदलेगा बल्लेबाज का। खूबसूरत गेंद हवा में तैरती हुई नजर आई, की है कोशिश, फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। ओहो हो, क्या गेंद है ये, आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन। चलिए देखते हैं अब यहां क्या होता है, क्या होगा। डिसीजन रिव्यू, तीसरा अंपायर इन्वॉल्व। शॉट तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन ये तो थोड़ा नया वर्जन है। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, अद्भुत अंदाज में खेला ये शॉट, हवाई यात्रा पे भेजा गेंद को सही एंटीसिपेशन, रिसीव
किया गेंद को और पकड़ा बढ़िया कैच, रिप्ले बनता है। तोहफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहाँ, फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। विकेट सुरक्षित हाथ है फील्डर के, कैच बल्लेबाज को सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। एक और विकेट चटका दी, बढ़िया गेंदबाजी। तो तय है कि आज गेंदबाज पवेलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे। कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर। फील्ड को थोड़ा सा फैला दिया गया है, पावर प्ले हुआ है समाप्त, चौकों को रोकना चाहते हैं कप्तान। थोड़ी सी पुरानी है और रिवर्स स्विंग में ये महारथी है, अच्छी गेंद को स्विंग करवाया, थोड़ा नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा, फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर, क्विक सिंगल, पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज में। सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआत, शॉर्ट बॉल से पुश किया बल्लेबाज को पीछे, उनका जवाब था ये करारा पुल, इज गॉन। फील्डर कर रहे थे इंतजार, गेंद गई उनकी झोली में, बल्लेबाज गया पवेलियन की तरफ। फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता। साधारण बल्लेबाजी कराएंगे, उम्मीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे। लॉक 6 नहीं 8 नहीं 10 रन दीजिए इस शॉट को, इतनी दूर गई है, गेंदबाज को छकाया, छक्का लगाया, पहली गेंद पर छक्का, इससे बेहतर शुरुआत कहां है संभव। टाइमिंग जबरदस्त शॉट, दो छक्के लगातार, दुगना मजा। परफेक्ट डिलीवरी, आश्चर्यचकित रहे बल्लेबाज, सही ठिकाने पर गेंद, बल्लेबाज खामोश। आखिरी ओवर की है शुरुआत और दर्शक दीर्घा में बहुत सारा रोमांच। रॉकेट आर्म है इस फील्डर का और एक्यूरेट भी डायरेक्ट है, अंपायर के लिए बड़ा आसान फैसला, नॉट आउट का इशारा। 2 रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा परेशान किया है गेंदबाज को। फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो, बड़ी गलती हो गई, नो बॉल यानी कि फ्रीबी बल्लेबाजी की टीम, एक महंगी डिलीवरी देकर गई है मुफ्त की गेंद यानी कि फ्री हिट। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी का फैसला, लेकिन क्या पारी ओवर कर पाएंगे ये बल्लेबाज की। फाइनल काउंटडाउन के समय क्या खूबसूरत अंदाज में विजय प्राप्त की खिलाड़ी ने, अंत में मिली एक आसान सी जीत, लेकिन सेलिब्रेशंस आपको बता रही हैं कि इस जीत का महत्व पहचानती है ये टीम। सामने वाली टीम ने नेस्तनाबूद कर दिया आपकी टीम को, यू हैव टू टॉप योर हैंड, कहिए वेल प्लेड और अपने खेल पे थोड़ा सा और दीजिए तवज्जो। गेंद के साथ जादूगर कहते हैं इनको, आज इनको
के इशारों पे नाच रही थी गेंद और सातवें बल्लेबाज भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इस गेंदबाज के जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। तो ये रहा है हमारा मैच का हाल। श्रीलंका अपने दिखा दिया कि मैं ऐसा ही खेलता हूँ, इसकी वजह से मैं लास्ट का टीम बना, इसीलिए दिखा दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो रैंकिंग टेबल सामने है आपके। न्यूजीलैंड जहाँ पे था वहीं पे है, श्रीलंका जहाँ पे था वहीं पे है, बस पॉइंट्स मिले न्यूजीलैंड को। तो इसी के साथ मैं लेना चाहूँगा आप लोगों का सुविधा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।